नमस्कार शिक्षार्थियों, शोध पद्धतियाँ और सांख्यिकी की व्याख्यान श्रृंखला में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे शोध समस्या के चयन के बारे में। शोध प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रथम चरण शोध समस्या का चुनाव करना होता है और इसका सही निर्माण करने से ही शोध को एक दिशा मिलती है। शोधकर्ता द्वारा चयनित और निर्मित शोध समस्या पर ही उसके शोध की सफलता निर्भर करती है। और सामान्य अर्थों में देखा जाए तो शोध समस्या सैद्धांतिक या व्यवहारिक संदर्भों में व्याप्त वह समस्या या कठिनाई है जिसका समाधान शोधकर्ता अपने अध्ययन द्वारा करना चाहता है। शोध समस्या से तात्पर्य एक ऐसे प्रश्नवाचक कथन या समस्या कथन से है जिसमें चरों के बीच यानी वेरिएबल्स के बीच कोई विशेष प्रकार के संबंध होने की शोधकर्ता कल्पना करता है। और एक अच्छी शोध समस्या का चयन या निर्माण शोध अध्ययन के लिए एक निवेश की तरह होता है जिसका परिणाम शोध रिपोर्ट की विषय वस्तु की गुणवत्ता तथा कार्य की वैधता आदि के रूप में परिलक्षित होता है। इसका चयन दो चरणों में किया जा सकता है। पहला है विषय क्षेत्र का चयन। शोधकर्ता को सर्वप्रथम एक बड़ा विषय क्षेत्र चुनना चाहिए जिसमें उसे अध्ययन करना हो और उस विषय क्षेत्र में उसकी गहरी रुचि होनी चाहिए। और शोध समस्या कोई भी समस्या विशेष या कार्यक्रम या घटना के अध्ययन पर आधारित हो सकती है। उसका चयनित क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें शोधकर्ता मौलिकता का अच्छा निर्णय प्रदर्शित कर सके, अर्थात जो शोध समस्या हो वो ओरिजिनल होनी चाहिए। मुख्य विषय क्षेत्र के चयन के पश्चात उसे उप विषय क्षेत्र का चयन करना चाहिए। और किसी भी रुचिपूर्ण शोध समस्या के चयन के लिए स्वयं के शैक्षणिक क्षेत्र या व्यावसायिक क्षेत्र के उप विषय का चयन करना सर्वोत्तम रहता है। उप विषय का चयन करने के बाद शोधकर्ता को उस उप विषय से संबंधित किसी स्पष्ट शोध समस्या का चयन करना चाहिए जिसका उत्तर वह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर खोजना चाहता है। इस के चयन से पूर्व उस उप विषय का गहन साहित्य अवलोकन किया जा सकता है और इसके लिए विशेषज्ञों से परामर्श, आसपास व्याप्त समस्याओं की पूर्ण जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। साहित्य अवलोकन व परामर्श की प्रक्रिया शोधकर्ता के ज्ञान को स्पष्टता प्रदान करती है, कुशलता प्रदान करती है, उसको संबंधित क्षेत्र के शोध कार्यों की सूचना प्रदान करती है, समस्या के चुनाव, विश्लेषण एवं कथन में सहायक होती है व शोध अध्ययन में अंतर्दृष्टि व सूझबूझ पैदा करती है। साहित्य अवलोकन और परामर्श के द्वारा शोध समस्या का सीमांकन आसानी से किया जा सकता है, अर्थात उसका लिमिटेशन भी किया जा सकता है और इससे शोध अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने में बहुत मदद मिलती है और शोध की कार्यविधि, संभावित समाधानों, अनुभवों आदि के बारे में भी पता चलता है। साहित्य अवलोकन के कई स्रोत हो सकते हैं जैसे पाठ्यपुस्तकें, ग्रंथ, शोध पत्र और सम्मेलन या सेमिनार में पढ़े गए आलेख, शोध प्रबंध, पत्रिकाएं, समाचार पत्र। इंटरनेट बहुत अच्छा स्रोत है और साक्षात्कार हो सकते हैं, हस्तलेख या प्रकाशित पांडुलिपि हो सकते हैं। गृह विज्ञान से संबंधित कुछ स्पष्ट शोध समस्याओं के उदाहरण हो सकते हैं जैसे महिलाओं के पोषण ज्ञान पर पोषण संचार का प्रभाव पर अध्ययन किया जा सकता है, पूर्व स्कूली बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन किया जा सकता है, ग्रामीण गर्भवती महिलाओं में अनीमिया के प्रसार पर पोषण शिक्षा का प्रभाव देखा जा सकता है, बच्चों की पोषण स्थिति और संज्ञानात्मक विकास के बीच संबंध देखा जा सकता है। और अगर हम वस्त्र विज्ञान से संबंधित कोई शोध करना चाहते हैं तो वस्त्र व्यापार और उपभोक्ता व्यवहार के बीच में संबंध देख सकते हैं और विज्ञापन पर उपभोक्ता के व्यवहार का प्रभाव देखा जा सकता है। और ऐसे कई सारे विषय हैं जिन पे शोध किया जा सकता है। शोधकर्ता के लिए शोध समस्या के निर्माण के लिए कुछ स्रोतों का सहारा लिया जा सकता है जिससे उसे समस्या को ढूंढने में मदद मिल सके। ये स्रोत कई हैं जैसे शिक्षकों, छात्रों या अभिभावकों द्वारा अनुभव की जा रही दिन प्रतिदिन की समस्याएँ किसी भी शोधकर्ता के लिए उपयोगी समस्या का स्रोत हो सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर, शोध पत्र, शोध जर्नल आदि को पढ़कर भी संभावित शोध समस्या का संकेत प्राप्त किया जा सकता है। और वरिष्ठ शिक्षकों या विषय विशेषज्ञों की के द्वारा भी उनकी उनसे एक अच्छी और वैज्ञानिक समस्या के प्रतिपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। शोध समस्या को हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे? समस्या के परिभाषीकरण से तात्पर्य है समस्या का स्पष्ट रूप से एवं विस्तारपूर्वक वर्णन करना। परिभाषीकरण के चरण में शोध समस्या की स्पष्ट परिभाषा दी जाती है, उसका आशय प्रस्तुत किया जाता है और उसके महत्व की संक्षिप्त व्याख्या की जाती है। इससे हमें अध्ययन की पहली रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलती है और इसकी मदद से शोध समस्या से संबंधित उद्देश्यों का भी निर्धारण किया जाता है।
और इसके आधार पर शोर अभिकल्प का भी चुनाव किया जाता है। कई नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए जब हम शोर समस्या को परिभाषित करते हैं, जैसे सभी तकनीकी शब्दों और चरों को पहचान कर परिभाषित करना चाहिए, हमारी शोध समस्या के चयन का औचित्य कारण सहित वर्णन करना चाहिए, यह निश्चित करना चाहिए कि चयनित समस्या अस्पष्ट और समय के अनुसार विस्तृत कार्यक्षेत्र वाली तो नहीं है, सभी उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए, शोध के निर्णय किस जनसंख्या समूह समाज आयु वर्ग स्थिति पर लागू होते हैं इसका वर्णन भी करना चाहिए, उसमें अंतर्निहित त्रुटियों और मान्यताओं का भी उल्लेख करना चाहिए, उसके पूर्वानुमान का भी वर्णन किया जाना चाहिए और उसके प्रभाव उपयोगिता और उसके समय अवधि का भी वर्णन किया जाना चाहिए। कई कारक हैं जो इसके चयन को प्रभावित करते हैं, जैसे मौलिकता। मूल रूप से माना जाता है कि प्रत्येक शोध नई और अपने आप में अनोखी होती है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शोध समस्या का चयन करने के लिए बहुत ओरिजिनल और अभिनव ज्ञान का प्रयोग किया जाए और जिससे कि ज्ञान में और भी वृद्धि हो सके। रुचि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार शोधकर्ता ऐसे विषय का चुनाव कर लेते हैं जिसमें उनकी रुचि नहीं होती है, तो उससे उस उत्साह और ऊर्जा को बनाए रखना बहुत कठिन होता है क्योंकि यह एक लंबी अवधि में काम करने वाला कार्य होता है और अगर आपकी रुचि ना हो तो शोध कार्य अच्छे से नहीं हो पाता। आकार का ध्यान रखना चाहिए, शोध का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए और यह डिपेंड करता है कि चरों की संख्या का आकार कितना है और प्रतिदर्श का आकार यानी सैंपल का आकार कितना है, इसलिए शोध के विषय का चयन इस प्रकार सीमित होना चाहिए कि वह प्रबंधन योग्य हो, विशिष्ट और स्पष्ट हो। अवधारणाओं का मापन कैसे करना है यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मात्रात्मक मापन होगा या गुणात्मक। जैसे मात्रात्मक अवधारणाओं में वजन, लंबाई, इसका मापन, या गुणात्मक में स्वाद, अभिवृत्ति या व्यवहार का मापन या मापन हो सकते हैं। शोधकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास उस शोध कार्य को करने के लिए विशेषज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि अगर विशेषज्ञता नहीं होगी तो शोध कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए इसके लिए शोध समस्या या उसके विषय के चुनाव से पूर्व उस विषय विशेष का गहन साहित्य अवलोकन करना आवश्यक है और प्रासंगिकता होनी चाहिए जो शोध समस्या हो, क्योंकि ऐसे विषय का चयन अच्छा होता है जिसकी शैक्षणिक कार्यक्षेत्र या समाज सेवा के रूप में प्रासंगिकता हो। शोधपरक अध्ययन के लिए उस समस्या का चुनाव करना चाहिए जिससे निष्कर्षों से व्यक्ति और समाज को लाभ हो। आंकड़ों की उपलब्धता का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसी समस्या का चुनाव करना चाहिए जिससे संबंधित तथ्य आंकड़े समयावधि के अंदर प्राप्त किए जा सकें और उसके संग्रहण के लिए विश्वसनीय और वैध उपकरण भी उपलब्ध होने चाहिए और बहुत इम्पॉर्टेंट है वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता भी होनी चाहिए क्योंकि इसमें धन व्यय होता है, इसलिए पहले वित्तीय संसाधनों और उपलब्ध धन के विषय में भी ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षार्थियों, इस लक्ष्य में हमने जाना कि शोध समस्या को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं और क्या क्या बिंदु हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए इस चयन से पूर्व। इस लेक्चर के अगले भाग में हम परिकल्पना के निर्माण के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।